दोस्तों नमस्कार, मेरे चैनल विमल क्रिएशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज जो मैं वीडियो डालने जा रहा हूँ ये एक कोट है। तो जो ये कोट है दोस्तों, इसका जो मेजरमेंट है 40 इंच इसका सीना है, 37 इंच इसकी कमर है, 29 इंच इसकी लंबाई है और 18 इंच इसका शोल्डर है और 23 इंच इसकी लंबाई है। 40 सीने से कोट की कटिंग, दो बटन साइड कट इसमें मैंने रखना है, दो बटन का कोट है, साइड में दोस्तों इसके कट हैं। तो दोस्तों सबसे पहले एक हम निशान लगा देते हैं, ये बहुत कपड़ा भी इसमें काफ़ी है, 1.80 मीटर कपड़ा है। ये देखिए एक ये लगभग 2 इंच का एक निशान हम दबाव का लगा देते हैं। अब दोस्तों 40 इंच का सीना है, जैसे हर वीडियो में बताता हूँ स्केल के बिना मैं कटिंग करता नहीं हूँ, मेरे को बड़ा इजी लगता है। तो देखिए 40, ये देखिए 20 × 40, यहाँ से 6 इंच प्लस कीजिए तो ये आया 19.5। तो इसका स्केल हर जगह से रखा जाएगा, 19.5 इंच रखा जाएगा। तो 19.5 के हिसाब से इसका जो स्केल आया 10.25 आया है, ठीक है दोस्तों 10.25, हर जगह 19.5 और ये लगभग 10.5 इंच इसका स्केल आया है। तो यहाँ से एक लंबाई लगाते हैं, लंबाई का निशान 29 इंच पे एक निशान लगाया मैंने, देखिए यहाँ से 1.25 इंच ऊपर रखा। दोस्तों दो वीडियो पहले बना चुका हूँ, थक गया हूँ इस टाइम में, लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो एक कोट की वीडियो और बना लो, बोलते बोलते थकान लग जाती है। 29 इंच पे मैंने एक निशान लगाया है दोस्तों, और ये देखिए यहाँ से 1.25 इंच ऊपर। अब दोस्तों देखो मैं इंच टेप हाथ नहीं लगा रहा हूँ, हर जगह मैं स्केल से काम कर रहा हूँ। दोस्तों देखो 19.5 पे मैंने ये गिराया है, इसका जो मुड्डा गिराया है 19.5 इसका स्केल आया, ठीक है दोस्तों। और यहाँ से भी मैं 19.5 पे लगा रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ से भी मैं जो शोल्डर इसका डाउन कर रहा हूँ 19.5 इंच, 19.5 इसमें है नहीं, 18 से 20, तो इसलिए हम 20 पे लगा देंगे। देखिए क्योंकि 19.5 इसमें है ही नहीं, ये देखिए। अब ऐसे यहाँ से जब 19.5 इसमें है नहीं तो ये देखिए 19 और 20 के बीच में लगा देता हूँ, ये देखिए। और इन निशानों को मैं उठा दे रहा हूँ, इन निशानों को मैंने उठा दिया है, ये देखिए। यहाँ से 29 इंच जिसकी लंबाई है, 17.5 इंच पे एक निशान लगाइए कमर का, ये लंबाई वाले निशान से 1.25 इंच ऊपर उठाए उससे नहीं, ये देखिए 17.5 इंच पे एक निशान लगाया कमर का, ये देखिए। दोस्तों लगभग 2.25 इंच पे एक निशान लगाइए यहाँ पे और 1.25 इंच पे इधर लगाइए ऊपर यहाँ से ये, और इस निशान को सीधे उठा दीजिए और थोड़ा यहाँ लेके निशान पे थोड़ा यहाँ राउंड दे दीजिए लगभग 2 सूट का, और ये कमर बना लीजिए इसकी, ये देखिए। अब यहाँ से इसका स्केल 40 का 19.5 आया, तो 19.5 पे हाले का निशान मैंने लगाया है, ये देखिए आप। तीरा इसका 18 इंच है, तो 9 × 18 और 0.5 इंच हमने लगाया दबाव, ये देखिए। अब देखिए छोटी छोटी चीज़ें मैं हर वीडियो में बताता हूँ, यहाँ से आप इसको यहाँ देखिए यह 10.25 इंच, यहाँ नीचे इधर कनी तक पूरे, और 10.25 इंच मेरा यहाँ से ये आ गया इधर, यहाँ से 1 इंच पीछे आप निशान लगाइए, जितना यहाँ से यहाँ आया उतना यहाँ से यहाँ 1 इंच पीछे, इसको आप सीधा कर लीजिए। अब दोस्तों जितना ये यहाँ से यहाँ आएगा 8.5 इंच आया है, तो यहाँ से 1.25 इंच कम पे निशान लगाइए आप, ऊपर चलिए वैसा देखा था। देखिए जितना ही यहाँ से यहाँ है ये 8.5 इंच, तो 1.25 इंच यहाँ से कम कर लीजिए, 7.5 इंच पे एक निशान लगाइए, ये मैंने लगा दिया है, इस निशान को आप यहाँ मिला दीजिए, और लगभग 1.5 इंच का ये एक निशान यहाँ दबाव पर लगा दीजिए, ये देखिए ये साइड चाक में हमारा दबाव आएगा। यहाँ से एक 7.5 इंच पे निशान लगाइए क्योंकि 29 लंबाई है, 7.5 इंच का जो बहुत है, और यहाँ से इस निशान को लगभग 3 सूट बाहर की तरफ ले लीजिए,
इस निशान को यहाँ मिलाइए और ये वाला जो हमारा निशान है शेप पट्टी में अंदर की तरफ से लीजिए, ये डाउन जहाँ से आता है, क्योंकि जब हम फ्रंट काटेंगे तो उसकी गोलाई में लेंगे। ये देखिए 4900 इसका नंबर है सीरियल मेरा, मैं डाल देता हूँ। इसकी कटिंग में करने जा रहा हूँ, निशान में लगाना भूल गया था। यहाँ से दो सूत नीचे लीजिए और ये देखिए, बैक मेरी कट चुकी है दोस्तों। अब देखिए पहले मैं अस्तीने काटता हूँ यहाँ पे, लेकिन आपको सिखाना है इसलिए पहले मैं इधर से काट ले रहा हूँ, सामने ही काट रहा हूँ। ये देखिए आप, यहां से लगभग आधा इंच छोड़ के एक निशान लगाइए। ये देखिए आप इस बैग को हम यूं रखेंगे, यहां से करीब 1.5 इंच छोड़ देंगे नीचे से, सामना डाउन रखा जाता है थोड़ा। ये देखिए इन निशानों को यहां नाप लीजिए, ताकि ये निशान तभी हमारे सीधे आएंगे जो ये पल्ला बराबर होगा। देखिए यहां से नापिए आप, ये 12.5, यहाँ से यहाँ 12.5, ये बराबर सीधा ही रखा हुआ है हमारा, बिल्कुल सही निशान आएंगे। इन निशानों को बिल्कुल सीधा उठा लीजिए, ये देखिए निशानों को मैंने उठा लिया है। ये देखिए दोस्तों आज मैं थक चुका हूं बिल्कुल, इसको निशान ये देखिए, यहां से आया 7.5 इंच, ये आया हमारा 8.25 इंच और ये आया हमारा 7.5 इंच। निशानों को सीधे उठा लीजिए, ये देखिए मैंने सब निशान सीधे उठा लिए हैं। देखिए ये हमारा 7.75, 7.8 और 7.25 आया, यहां से ऊपर से निशान आया हमारा 7.75 इंच, 7.75 इंच हमने यहाँ से इधर निकाला, सीना हमारा 40, तो 20 × 2 = 40 और दोस्तों यहाँ से 4.5 इंच हमने आगे बढ़ा दिया। ऐसी कमर हमारी यहाँ से आया 7.75 इंच है, ये 7.75 इंच हमने यहाँ से रखा है, ये और 37 इंच हमारी कमर है, 37 का आधे हुआ 18.5 इंच और 4 इंच हमने यहाँ से इसमें लूजिंग दे दी। अब दोस्तों देखिए यहाँ से ये जो है 16.5 इंच है, तो ये 16.5 इंच पे एक निशान लगाइए और 1.5 इंच इसको आगे बढ़ा दीजिए यहाँ से। अब दोस्तों देखो 40 इंच हमारा सीना है, 10 × 40 तख्ती का जो निशान है चौथाई पे लगाइए, 1 इंच पीछे ले लीजिए। ये आया हमारा यहाँ से 9 इंच पे यहाँ निशान लगाइए और इस निशान को आप सीधे खींच लीजिए। इस निशान को ये 9 इंच आया, इसको हाफ कर लीजिए, 4.5 इंच ये निशान सीधे कर लीजिए आप। यहाँ से 1.25 इंच पे एक निशान लगाइए, ये देखिए
ये हमारे 7.5 इंच आया था ये। तो इसको हम 6.5 इंच रखेंगे यहाँ से और इस निशान को हम ये उठा लेंगे इस तरीके से। और दोस्तों इस निशान को यहाँ मिलाइए और ये गोलाई दे दीजिए। और दोस्तों इस निशान को देखो हम यहाँ अगर कर देंगे तो दोस्तों ये बहुत ज़्यादा डीप हो जाएगा हमारी ये वाली गोलाई। एक सुई दे देंगे दुलाई की। हमारी ये वाली जो गोलाई है ये गोलाई और ये गोलाई लगभग बराबर होनी चाहिए। ये मैंने बाहर ले लिया है थोड़ा इसको ये देखिए। और इस निशान को हम यहाँ मिलाएंगे ये देखिए। अब इस निशान को हम ये मिलाएंगे और ये देखिए दबाव रख दिया 7 इंच का मैंने। और इस निशान को हम ये मिला लेंगे यहाँ से लगभग जितना हमारा चाक है वहीं तक हम ये दबाव के ले जाएंगे। बाकी नीचे 3.5 इंच ज़्यादा रखेंगे। अब दोस्तों ये देखिए यहाँ से 2 सूत नीचे हम लेंगे इसको और ये हम मुड्ढे की गोलाई दे देंगे। यहाँ से 1 इंच नीचे डाउन कीजिए आप और 2 इंच हमने दबाव रखा है 1 इंच यहाँ से रख देंगे। यहाँ से 2.25 इंच पे आप निशान लगाइए और ये निशान आप ये लगाइए यहाँ से और ये निशान यहाँ से लगा दीजिए। हमने गोलाई लिया लगभग 9 इंच तक हम ये गोलाई देंगे जहाँ हमारा बटन लगेगा 9.5 इंच पे 10 इंच पे ये देखिए। यहाँ से 10 इंच पे एक निशान हम लगाएंगे यहाँ से पहले बटन का निशान दूसरे बटन का निशान 4 इंच पे लगा देंगे 4.25 जो भी सही बैठता है। यहाँ से 0.25 इंच ऊपर इस 0.25 इंच वाले निशान को यहाँ से 0.25 इंच ऊपर लगाएंगे ये देखिए यहाँ हमारी नपेल टूटेगी। अच्छा जितनी हमने नपेल रखनी है ये देखिए आला कैसे डाउन करेंगे। हमारा 19.5 आया था 19.5 हमने ये निशान लगा दिया है। इस निशान को आप यहाँ मिलाइए इसको यूँ घुमा दीजिए। अब दोस्तों जितनी हमें नपेल रखनी है उसमें 0.5 इंच जोड़ लीजिए आप। 2.5 इंच हमने नपेल तैयार रखनी है तो ये लगभग 3 इंच आप इसको लगाइए तो ये 2.5 इंच नपेल अपनी हमारी तैयार आ जाएगी। अब दोस्तों देखो 19.5 इंच हमारा स्केल है यहाँ से स्केल ऐसे रखिए ये 19.5 पे लगाइए और यहाँ से आप इसको ये निशान लगाइए या 6.5 इंच एक पॉकेट का मुँह लगाइए। जितना हमने नीचे गिराया है उतनी हमारी ये डट निकल जाएगी यहाँ से इसीलिए ये गिराया जाता है डाउन। और देखिए ये जेब का मैंने निशान लगा दिया है ये हमारा यहाँ से राउंड है तो इसीलिए हम इसको एक साइड से ये राउंड दे देंगे और इसको यहाँ से हम यूँ लगाएंगे देखिए। और ये देखिए इस तरीके से निशान लगाइए। अब हमें कोट की कमर बनानी है कमर बनानी यहाँ से कमर नहीं बनती कभी भी कमर बनती है इस डट से जो हमारा शेप शकल ये है ये देखिए आप शेप कोट में जो आता है यहाँ से आता है। और एक डट का निशान यहाँ लगाइए 1 इंच छोड़ के ये देखिए दोस्तों यहाँ से करीब 2 इंच पे एक निशान लगाइए और इस निशान को आप 0.25 इंच क्रॉस कीजिए और 0.25 इंच ऊपर उठाइए और 3.5 इंच की एक जेब बना दीजिए ठीक है। दोस्तों ये जो निशान है डट का निशान इस पॉकेट के निशान से सेंटर में आना चाहिए ये ऑटोमेटिक अगर आपके निशान सही है तो ये सेंटर में अपना आ जाएगा। अब मैं इसकी कटिंग करने जा रहा हूँ दोस्तों। ये देखिए आज इतना ज़्यादा ट्रैफिक है जबकि शनिवार को होता था ट्रैफिक आज फ्राइडे है फिर भी बाहर मेरी वीडियो में ट्रैफिक की आवाज़ सुनी रहे होंगे। ऋषिकेश में बहुत भीड़ रहने लगी है यात्रा सीजन है एम्स की गाड़ियाँ चलती रहती हैं सायरन बजते रहते हैं एम्बुलेंस के। वैसे आज मैं वीडियो बनाने में खाना पूर्ति ही कर रहा हूँ क्योंकि मेरे
मेरा एक कारीगर खाली था, रिपोर्ट देना था। मैंने कहा चलो लगे हाथ एक वीडियो भी बना देता हूँ। तीन वीडियो पहले बना चुका हूँ, बोलने में काफ़ी एनर्जी जाती है। ये देखिए दोस्तों, ये मेरी वो कट गई है और अब मैं इसकी आस्तीनें काटने जा रहा हूँ। देखिए इधर से हम इसकी आस्तीनें ले लेंगे। दोस्तों सबसे पहले एक 200 छोड़ के एक निशान लगाएंगे हम यहाँ पे। ये मैंने एक निशान लगाया है और यहाँ से लगभग 1 इंच का एक निशान लगाइए। ये सीधे मैंने एक निशान लगा दिया है। अब देखिए यहाँ एक निशान को हमारा 19.5 इंच का वो आया है स्केल, तो 19.5 पे मैंने एक निशान लगाया है ये देखिए। और इसको ये सीधा कर लीजिए, यहाँ से 19.5, इधर से 19.5, इधर से 19.5 और इधर से 19.5। सब जगह से हम इसका स्केल 40 का 19.5 रखेंगे। देखिए यहाँ से देखिए 19.5 ये लगा दिया मैंने, यहाँ से 19.5 ये लगा दिया मैंने। इस निशान को सीधा कर दीजिए, ये देखिए। अब इसका निशान यहाँ से 19.5, 19.5 इसे आगे बढ़ाओ, ये देखिए। इस निशान को आप यहाँ मिला दीजिए और इस निशान को आप यहाँ मिला दीजिए, यहाँ से लगभग 1/2 इंच नीचे। अब इसकी लंबाई दोस्तों है हमारी 23 इंच लंबाई है, तो यहाँ से हम इसके लंबाई का निशान लगेगा, ना कि ऊपर के निशान से। तो 23 इंच पे एक ये निशान लगाया मैंने। वैसे दोस्तों मैंने जो प्रैक्टिकल किया है जितने भी कोटों में, तो मैं जो आस्तीन रखता हूँ आस्तीन की लंबाई मेरी बढ़ जाती है, तो वो इसलिए बढ़ती है मेरी लंबाई कि ये जो ऊपर के हम राउंड का एक पोर्शन, नम का पोर्शन जो हम देते हैं गोलाई का, जहाँ पैडिंग लगती है, इसको मेरे को सही करना पड़ेगा। मेरी अक्सर लंबाई बढ़ रही है कोटों की, तो इस पर मैं कुछ रिसर्च करूँगा। ये देखिए लगभग 3.25 इंच मैंने दबाव रखा है, यहाँ से लगभग 2.25 इंच रखिए आप, और यहाँ से 5 इंच इसके मोह रख रहा हूँ मैं आस्तीन मोहरी का। इस निशान को मैंने यहाँ मिला दिया है देखिए, और इस निशान को मैंने यहाँ से 1/2 इंच अंदर रखूँगा, नहीं तो बहुत ढीली हो जाएगी ये देखिए, ये देखिए। और इस निशान को मैं यहाँ मिला दे रहा हूँ, और ये उठाया मैंने, ये राउंड दे दिया, और ये राउंड इधर से मैंने गोलाई दी इसको, और ये मैंने आस्तीन की गोलाई लगा दी है। ये देखिए आप, यहाँ से 1/2 रखा है, यहाँ से हम 3.5 इंच रखेंगे, ये देखिए। और इसकी मैं कटिंग करने जा रहा हूँ, ये देखिए आप। बोलते हैं ऊपर के पल्ले को गोला, जो अब हम काटेंगे उसको बोलते हैं ताल। एक पल्ला कट गया गलती से, ये जो पल्ला मैं काट रहा हूँ उसको गोला बोला जाता है, और नीचे के पल्ले को हम बोलते हैं ताल। ये मैंने रखा है। अब दोस्तों इसको मैं पलट ले रहा हूँ, ये पलट दिया मैंने, इसका एक पल्ला हम लेंगे, ये देखिए। इसको मैंने जो तार हमारे ये हैं इन्हीं में काट लेंगे लगभग बराबर करके। तो बराबर कर लेंगे क्योंकि इसी के साथ इसकी जुड़ाई होनी है हमारी। अब जित
इतना हमने पौने दो और पौने तीन रखेंगे, इसको हमने नीचे खिसकाया, ये देखिए। अब दोस्तों कोहनी के बराबर, ये देखिए मैंने कटिंग जो कर रहा हूँ ये यहाँ से देखिए, लगभग कोहनी के बराबर, तो मैं इसे सीधा इसके बराबर ले जाऊँगा, उसके बाद मैं इसको बाहर निकालता चले जाऊँगा। लगभग पौना इंच मैंने इसका मार्जिन रखना है। ये यहाँ से जो हमने निशान लगाया है, ये यहाँ से पौना इंच अंदर आप ले लीजिए, जो हमें नम देनी है इसकी, ये देखिए। अब इस निशान को आप ये लगा दीजिए, तो ये हमारा अगर लूज करना पड़ जाएगा तो इस पोर्शन से हम लूज कर सकते हैं। इसको यूँ यहाँ रखिए, और जो ये बराबर निशान है बराबर मत लगाइए, इससे दो सूत ऊपर लगाइए, ये देखिए। अब इसको यूँ पलट लीजिए, ये जो हमारी गोलाई है इस गोलाई को आप यूँ रखिएगा, और ये अपना हमारा ताल का निशान लग गया है। ठीक है दोस्तों, ये कोट आप इस तरीके से काटिएगा, पहले प्रैक्टिकल करिएगा तो देखिए सही आएगा कोट ये बनने के बाद। अब इसको मैंने ये रख दिया है। दोस्तों मेरी कोट की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है, आज बहुत जल्दीबाजी में मैंने ये वीडियो बनाई है, तो कुछ गड़बड़ हुआ हो, समझ ना आया हो, उसके लिए सॉरी, फिर वीडियो बना दूंगा। लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक मैंने जो डाला है, ये मैंने इसमें अस्तीन रख दी है, सामना बैक ये रख दिया गया, ये इसका खर्चा है। दोस्तों मेरी वीडियो कैसी लगती है आपको? अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मेरी नई नई वीडियो आपको मिलती रहें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।